ताल तेल बा पाम चाष करिबा पई सरकारी नर्सरी मानकरे चारा आग्रही चासिं को जोगाई देवार व्यवस्था करा जाइछि। चासी एही चारा को नै 2x2 रो कातो खोली खत दे चारा रोपण करिथांति। एही चारा रोपण समय रे गछरु गछ मध्ये रे दूरता बचाय रखिबा पई त्रिकोण आकार रे चारा रोपण करा जाय। कारण एहा द्वारा पवन चलाचल एवं सूर्यालोक ठीक भावे पाइथाय। गछ लगाइबा ठारु फल आसीबा जाय पाम गछर रक्षणाबेक्षण सहित संपूर्ण जत्न नेबाकु पड़िथाय। प्रति 3 मासरे गछर चारिपटे अनावना घास को सफा करा जाय किंतु पाम गछ तले कोड़ाकोसा हुए नहीं। कारण एहार चेर माटीरु मात्र 3 इंच तले रही थाए। पाम गछ पाई तापमात्रा 22-25 डिग्री रहिबा दरकार। पाम गछरे पानी रो आवश्यकता अधिक मात्रा रे पड़िथाए। प्रति गछरे प्रतिदिन 200 लीटर पानी रो आवश्यक पड़िथाए। गछ लगाइबार 3 वर्ष परे फल आसिथाए। फल आसिबा परे गछरे कोनोसी प्रकारर खर्च किंबा शारीरिक परिश्रमर आवश्यक पड़िनथाए। प्रथम वर्ष फल गोटे गुच्छारे 1 केजी रु 2.5 केजी जाए थाए। प्रति वर्ष यार ओजन 2 गुणा होइथाए। ठीक सेहिपरि गछर उच्चता मध्य प्रति वर्ष 1 फुट लेखाए बढ़िथाए। पाम गछ लगाइबारे सबुठ बड़ लाभ हैला गछ 3 वर्ष परठारु गछ को 32 वर्ष हेबा जाए फल आसीथाए। गछ लगाइबार 9 वर्ष परे हाराहारी प्रति गछरे 50-60 केजी लेखाए फल प्रति 10 दिन अंतराल रे तोला जाइथाए। यार मूल्य केजी प्रति 10.50 हिसाब रे बिक्री करागले वर्षको प्रति गछरे 10-15 हजार लाभ होइथाए। पड़िया पड़िथिबा जागारे पाम गछ लगाई किछि वर्ष जदि तार उपयुक्त जत्न निया जाए ताहेले अन्य चाष सहित पाम चाष करी निजर आर्थिक स्थिति को बेस मजबूत करि पारिबे।